नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको आपके हरियाणा में जितने भी ANM, GNM और MPSW के रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। कितनी उसमें सीटें हैं और कौन से कॉलेज गवर्नमेंट है, कितने प्राइवेट है, कितनी टोटल सीटें आपकी ANM की, टोटल कितनी सीटें हैं, GNM की कितनी टोटल सीटें हैं, MPSW के लिए कितनी सीटें हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कंप्लीट डिटेल में ANM, GNM और MPSW कोर्सेज की, कॉलेज की कंप्लीट लिस्ट जो एकेडमिक सेशन 2023-24 में आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आपकी डायमर हरियाणा की तरफ से काउंसलिंग, ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। उसमें भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, तो कल फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए लास्ट डेट है, 14 अगस्त आपकी लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद आपको सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग में भी मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का नए कैंडिडेट को, लेकिन फिर आपकी सीट्स आपकी फिल हो जाती हैं, तो बहुत ही कम सीट्स मिलती है। तो जल्द से जल्द कल कल का आपके पास टाइम और है, आज का भी टाइम है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया ANM और GNM और MPSW के जिस भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए कल आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद बात करते हैं अब ANM के कितने कॉलेज आपके टोटल, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो ANM के टोटल आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, टोटल 8 कॉलेज गवर्नमेंट है, जिसमें आपका ANM स्कूल ऑफ नर्सिंग गुड़गांव, जिसमें 25 सीटें ANM की, ANM स्कूल ऑफ नर्सिंग जनरल हॉस्पिटल अम्बाला सिटी 25 सीटें हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग जनरल हॉस्पिटल भिवानी 30 सीटें हैं, आपका नारनौल में कॉलेज है गवर्नमेंट 30 सीटें ANM की, फिर आपका ANM स्कूल ऑफ नर्सिंग जनरल हॉस्पिटल रोहतक 25 सीटें, ANM स्कूल ऑफ नर्सिंग जनरल हॉस्पिटल सरसा कितनी सीटें, 30 सीटें, फिर मेवात में है 13 सीटें, फरीदाबाद में है 25 सीटें। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे कॉलेज आपके टोटल 8 कॉलेज हो गए गवर्नमेंट, और इसमें फर्स्ट 7 में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके प्राइवेट कॉलेज की, तो आदर्श स्कूल ऑफ नर्सिंग महेंद्रगढ़, इसमें भी आपका प्राइवेट कॉलेज है 30 सीटें ANM की, रोहतक में जो आपका कॉलेज में भी 30 सीटें हैं, फिर आर्यभट्ट नर्सिंग कॉलेज फतेहाबाद, इसमें भी 30 सीटें ANM की और 40 सीटें GNM की, और MPSW की 60 सीटें। आर्यभट्ट नर्सिंग कॉलेज फतेहाबाद है जो का प्राइवेट कॉलेज, इसमें 30 सीटें ANM की हैं, 40 सीटें GNM की और 60 सीटें MPSW की है। फिर BDM MPSW ट्रेनिंग स्कूल, ये आपका जज्जर में है, इसमें MPSW की 60 सीटें, ये आपका प्राइवेट कॉलेज है। BDM स्कूल ऑफ नर्सिंग आपका जज्जर, इसमें आपकी 60 सीटें ANM की और 60 सीटें GNM की हैं। फिर बाबा स्वामी दयाल स्कूल ऑफ नर्सिंग महेंद्रगढ़, इसमें भी 60 सीटें ANM की और 40 सीटें आपके GNM की। बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग भिवानी, इसमें 60 सीटें आपके सिर्फ GNM GNM की है। बनबोरी स्कूल ऑफ नर्सिंग हिसार, इसमें आपके 30 सीटें GNM की और 30 सीटें ANM की है, ये आपका ही प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद सुरेंद्र कुमार मेमोरियल नर्सिंग स्कूल जींद में, इसमें आपकी 20 सीटें ANM की और 30 सीटें GNM की है। इसी प्रकार से भारत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सोनीपत, इसमें 30 सीटें ANM और 40 सीटें GNM। तो इस प्रकार से आप ये लिस्ट देख सकते हैं, ये आपकी लिस्ट हो गई। उसके बाद ये आ गए आपके फिर से प्राइवेट कॉलेज है सारी, चौधरी बगल स्कूल ऑफ नर्सिंग हिसार, इसमें 50 सीटें ANM की हैं, चंद्रमुखी स्कूल ऑफ नर्सिंग सोनीपत, इसमें 40 सीटें ANM, 40 सीटें GNM और MPSW की कोई भी सीट नहीं है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट लिस्ट आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब GNM के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी बात कर लें, तो GNM स्कूल ऑफ नर्सिंग जनरल हॉस्पिटल भिवानी, इसमें भी आपकी 20 सीटें हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग जनरल हॉस्पिटल हिसार, इसमें भी 20 सीटें आपके GNM की, फिर आपका जनरल हॉस्पिटल करनाल है, उसमें भी 20 सीटें GNM की, फिर आप के आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज 3, फिर एक आपका फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदुजींद है, उसमें 60 सीटें ANM की हैं, 60 सीटें GNM की, आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर एजुकेशन हेल्थ सेंटर नरवाना जींद, ये आपका प्राइवेट कॉलेज है और इसमें आपकी MPSW की 60 सीट्स हैं। HKST स्कूल ऑफ नर्सिंग हिसार, इसमें प्राइवेट कॉलेज में 60 सीटें ANM और 60 सीटें ही GNM की हैं। हैप्पी चाइल्ड स्कूल ऑफ नर्सिंग सोनीपत, इसमें 20 सीटें ANM और 40 सीटें आपके GNM की हैं। इस प्रकार से आपकी देख लिया आपने, अब बात कर लेते हैं ये आपके सारे फिर से ANM, GNM, MPSW के प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। ये सारे आपके प्राइवेट, फिर आपके आ जाते हैं MPSW के कुछ गवर्नमेंट कॉलेज, तो MPSW ट्रेनिंग स्कूल जनरल हॉस्पिटल सोनीपत, इसमें 60 सीटें हैं MPSW की। उसके बाद आपके आ जाते हैं गवर्नमेंट, अगर हम और बात करें MPSW की, तो गवर्नमेंट और सीट्स नहीं है, एक ही आपका वो है और ऊपर 2-3 कॉलेज दिए हुए थे। तो ये आप कंप्लीट लिस्ट
देख सकते हैं। टोटल आपके हरियाणा में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज को मिला के ANM की 3023 सीटें हैं, GNM की 3780 सीटें और MPSW की 1560 सीटें हैं। ध्यान से सुनिएगा, ANM की टोटल आपके पूरे हरियाणा में जितने भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हैं उनकी फीस, उनकी जो आपकी सीट्स हैं वो 3023 हैं, GNM की 3780 और MPSW की 1560। अब हम बात करें फीस की, गवर्नमेंट कॉलेज में ANM, GNM और MPSW तीनों ही कोर्सेज की पर ईयर की फीस 15,000 रुपये है और प्राइवेट कॉलेज में ये आपकी करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच रहती है पर टोटल एंटायर कोर्स की, मतलब 2 लाख के करीब आपकी हो जाएगी। अगर आप ANM, GNM या MPSW करते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज से तो आपके टोटल एंटायर कोर्स 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच होगी, जैसा कि उन्होंने जो आपका डाइमर हरियाणा का नोटिफिकेशन है उनमें बताया है। तो बाकी आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, इसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन MK से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।